सो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले इस सेशन में वो है एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कवर किया है और इसका जो लिंक है जो एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट 1 की वीडियो बनाई है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का इसमें इन्होंने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इन्होंने बोला है एक्सप्रेस करो इस क्वेश्चन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया 0.6 के ऊपर बार है, 0.477 के ऊपर बार है एंड 0.001001 के ऊपर बार है। तो हमें एक एक करके इन्हें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज 0.6 बार, हम 0.6 बार ये तो ये कैसे 0.666 एंड सो ऑन, हमने इसको ऐसे कर लिया लेट x इज इक्वल टू 0.6666। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6666। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 6.6666। हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सो 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन एंड x इज इक्वल टू 0.6666। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा बचेगा 9x इज इक्वल टू 6.0000। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9x इज इक्वल टू 6 विच इज़ x इज इक्वल टू 6/9 विच इज़ 2/3। तो हमें आंसर मिल चुका है जो कि हमारा 2/3। 2/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.666666। सेकेंड है 0.477 के ऊपर बार है, तो मतलब इसमें इन्होंने इसको कैसे लिखा हुआ है 0.4777 एंड सो ऑन। हमने लेट x इज इक्वल टू 0.47777 कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10। एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको 100 से क्यों नहीं कर रही है, 1000 से क्यों नहीं कर रही, मैं 10 से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार, अगर बार होता है 0.6 जैसे पिछले क्वेश्चन में 6 के ऊपर बार था तो भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था, 7 के ऊपर बार है तो भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। समझ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन 0.63 और दोनों के ऊपर बार होता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो दो जीरो आ जाएंगी। तो इस क्यों मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये है कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो हमारा आगे 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4777 एंड सो ऑन। तो दिस इज 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड एंड वी विल गेट द आंसर 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड x इज इक्वल टू 0.4777। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 9x इज इक्वल टू 4.3000 एंड सो ऑन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9x इज इक्वल टू 4.3 विच इज 9x इज इक्वल टू 4, पॉइंट हटाया तो हमारा एक जीरो आ गया, 10 पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो हमने एक जीरो लगा दिया, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 43 अपॉन में 10 इंटू 9 विच इज 43 अपॉन 90। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.001, आपको 001 के ऊपर बार दिया हुआ है तो ये कैसे लिखा हुआ होगा, ये ऐसे लिखा होगा 0.001001 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1000 x इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.001001 एंड सो ऑन। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 1000x इज इक्वल टू 1.001001। इसको हमने लेट कर लिया सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड विच इज 1000x इज इक्वल टू 1.001001 and so on and that is x is equal to 0.001001 and
नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9. 9 एक्स इज इक्वल टू 1.000. हमारी ये क्वेश्चन आ चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं. 9 एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1/999. सो दिस इज अवर आंसर ऑफ 0.001 बार. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट. डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस. अगर आप अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं तो अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए इस आंसर को कि ये कोई सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा, ठीक है. और अगर बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है सेंस. सो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं. तो इसने हमें 0.99999 एंड सो ऑन मींस 0.9 के ऊपर एक बार है, 9 के ऊपर एक बार है, ठीक है. हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.99999. मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था. अगर 2 समझ लीजिए 0.23 है और 23 के ऊपर बार होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते. जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी जीरो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 10x. 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.9999. सो इट इज 10x इज इक्वल टू 9.9999. इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया. नाउ वी डू द सेम कॉन्सेप्ट. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन from second. 10x is equal to 9.9999 and x is equal to 0.9999 and so on. हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 9x is equal to 9.0000 and so on. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें which is 9x is equal to 9 and x is equal to 9/9 which is 1, ठीक है. आपका आंसर आपको 1 आ गया. अगर आप 1 को सॉल्व करेंगे इट इज़ वेरी क्लोज टू 0.99999. योर आंसर 1 इज़ वेरी क्लोज टू 0.9999. बट व्हेन वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा 0.6 के ऊपर बार था तो आपका आंसर आया था 6/9. जिसको आपने सॉल्व किया था तो आपका आंसर आया था 2/3. तो जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतना आपका 1/9 आ गया, ठीक है. सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 क्यों नहीं है, आपका 1 क्यों है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू 0.999. सो दैट्स व्हाई इट जस्ट कम 1. तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का. सो क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट हो सकती हैं जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में. हमें इसको डिवीजन को परफॉर्म करना है और इस डिवीजन के थ्रू हमें अपना आंसर को चेक करना है. तो लेट्स परफॉर्म द डिवीजन करते हैं. हम अंदर रखा हमने 1, बाहर रखा 17. 1 बहुत छोटा नंबर, एक जीरो पॉइंट लगाया, जीरो लगा लिया. स्टिल ये डिविजिबल नहीं है, हमने एक और जीरो लगाया, यहाँ पे जीरो लगाया. 17, 5 से 85, 100 में से 85 गए तो बचे 15. ये हमने एक और जीरो लगा लिया. 17, 8 से 136, हमारा कितना बचा, हमारा 14 बचा. हमने एक और जीरो लगा लिया. 17, 8 से 136, हमने इसको माइनस किया, 4 बचा. हमने एक ज़ीरो लगा लिया. 17, 2 ज़ा 34, हमने माइनस करा, 6 बचा. हमने एक और ज़ीरो लगा लिया. 17, 3 ज़ा 51, हमने इसको माइनस करा और हमारा बचा 9. हमने एक और ज़ीरो लगा लिया. 17, 5 ज़ा 85, हमने माइनस किया, हमने 5 रखा और हमने एक और ज़ीरो लगा लिया. 17, 2 ज़ा 34, हमने माइनस किया, हमारा बचा 16, हमने एक और ज़ीरो लगा लिया. 17, 9 ज़ा इज 153, हमने इसको माइनस किया, हमारा बचा 7, हमने एक और ज़ीरो लगा लिया. 17, 4 ज़ा इज 68, हमने जब इसको माइनस किया हमारा 2 बचा, हमने एक और ज़ीरो लगा लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है. 17, 1 ज़ा इज 17, हमारा बचा 3, हमने एक ज़ीरो लगा लिया. 17, 1 ज़ा 17, हमने माइनस किया, हमारा 13 आया, हमने ज़ीरो लगा लिया. 17, 7 ज़ा 119, हमने इसको माइनस किया तो हमारा बचा
11, हम इस 11 को इधर ले आए और हमने एक और जीरो लगा लिया, 6, ठीक है। उसके बाद 17, 102, हमने इसको माइनस किया, हमारा 8 बचा, हमने एक ज़ीरो लगा लिया। 17, 4 इज 68, हमने इसको माइनस किया, हमारा बचा 12, हमने एक ज़ीरो लगा लिया। 17, 7 इज 119, अब हमारा कितना बचा, दैट्स 1। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं आ गए, 1 से स्टार्ट किया था ना हमने, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। मीन्स ये आगे डिजिट्स जो है ये रिपीट करेंगी, तो इसमें कितने रिपीटिंग डिजिट्स के ब्लॉक्स, कितने रिपीटिंग डिजिट्स के ब्लॉक आए, ये आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 डिजिट्स के ब्लॉक आए जो ये रिपीट करेंगे। तो हम इसके ऊपर बाल लगा देते हैं और आपका आंसर आएगा 16 ब्लॉक्स। सो ये आ गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3।